बात करते हैं सिप्ला की, जो कि आज काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रहा और काफ़ी वॉल्यूम्स के साथ इसके अंदर सेलिंग देखने को मिली है, और 963 के आसपास स्टॉक जो है क्लोज हुआ है। अगर रिसेंट हाई के बात करें 1185 के आसपास का था, तो वहाँ से स्टॉक के अंदर ऑलमोस्ट आप देखेंगे 220 रुपये के आसपास की करेक्शन हो चुकी है, और जिस हिसाब से इसके अंदर जो सेलिंग हुई है वॉल्यूम के साथ में, ये काफ़ी क्रिटिकल है और स्टॉक अभी भी और ज़्यादा नीचे जाता हुआ नज़र आ सकता है और काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में रह सकता है। यूएस एफडीए की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन इसे मिली हैं, वहाँ से जो है स्टॉक के अंदर प्रेशर बना और इसने अपने जो अहम सपोर्ट लेवल थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अहम सपोर्ट लेवल था, उसको भी ब्रेक करके स्टॉक काफी ज्यादा नीचे आ चुका है। अगर बात करें वीकली चार्ट के ऊपर, तो स्टॉक आपको कुछ इस टाइप से दिखाई देगा, और ये दो ट्रेंड लाइन्स आप देख सकते हैं। स्टॉक एक अप ट्रेंड के अंदर था और इस टाइप से एक चैनल को फॉलो कर रहा था, ऊपर इसके में एक रेजिस्टेंस लेवल जरूर क्रिएट हो रखा था, बट एक स्टॉक अप ट्रेंड में था, नीचे बार बार इस लाइन के ऊपर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा था, और आज देखेंगे तो इस जो ट्रेंड लाइन है नीचे की जो सपोर्ट है जो उसको भी ब्रेक करके स्टॉक नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है 963 के आसपास। अभी आप देखेंगे तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो इसका निकल कर आता है वो 910 रुपए के आसपास का है। अगर बात करें 910 रुपए को भी अगर ये होल्ड नहीं करता है किसी वजह से, तो स्टॉक 860 के लेवल भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो 910 रुपए पे आपको पहली नजर रखनी है, स्टॉक हो सकता है वहीं पर स्टेबल होता हुआ नजर आए। अगर ऊपर की बात करें तो 992 के ऊपर आपको नजर रखनी है, अगर उसके ऊपर की क्लोजिंग आनी स्टार्ट होती है तो सेंटीमेंट फिर से थोड़े पॉजिटिव होते नजर आ सकते हैं, जो इसको 1040 के लेवल तक ले जा सकते हैं। तो 992 के ऊपर आपको बिल्कुल नजर रख के चलनी है, अगर 992 के ऊपर क्लोजिंग आनी स्टार्ट होती है तो 1040 का लेवल दिखा सकता है, बट अगर 910 के नीचे की क्लोजिंग आती है तो स्टॉक 860 के लेवल भी दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो नीचे नजर रखिए 910 के आसपास, और सेटल होने के बाद ही इसके अंदर कोई फ्रेश बाइंग या एवरेज आउट करना है आपको, उससे पहले इसे अभी सेटल होने दीजिए, उससे पहले कुछ भी आपको नहीं करना है इसके अंदर। तो नीचे जो लेवल आपको नजर रखने हैं 910 के आसपास नजर रखने हैं, अगर उसे भी ब्रेक करता है तो 860 के आसपास स्टॉक जो है फिसलता हुआ नजर आ सकता है। ऊपर के लेवल 992 के ऊपर नजर रखिए, अगर इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलता है तो स्टॉक 1040 का लेवल फिर से दिखाता हुआ नजर आ सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।